हेलो अच्छा ये कौन से पेपर्स भेज दिए आपने मुझे? मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स मंगवाए थे, आईटी के नहीं। अरे सॉरी नैतिक, मैं अभी भिजवाती हूँ। अब रहने दीजिए, अब कोई फायदा नहीं है, आज का टाइम निकल गया, काम नहीं हो पाएगा। कल मैं खुद ही पेपर ले आऊंगा, लेकिन एक बार भेजने से पहले आप देख तो लेती। खैर छोड़िए, मुझे बहुत काम है, मैं फोन रख रहा हूँ। ये क्या शरारत करते रहते हो हमेशा, कोई और खेल नहीं सोचता आपको? अब ये टूट जाता तो टूट जाता तो क्या है उसमें? तो कोई कैसे बात कर रहे हो आप? आपको चीजों की टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है आपको। एक तो मैं इतना बोर हो रहा हूँ और आप लोग खेलते भी नहीं हो मेरे साथ, और यश की दादी से वापस से उसके घर लेके चली गई, तो मैं अकेला क्या करूं? जाओ सो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आजकल तो आपको हमेशा गुस्सा आता रहता है, जब देखो जब आप मुझ पे गुस्सा करती रहती है, या कभी आप चिढ़ जाती है मुझ पे, या कभी पापा पर। इन्हें पहचानती हो तुम? ये तुम्हारी छोटी माँ है, जिन्हें तुम लेकर आई थी इस घर में, जिनकी खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। क्या तुम उन्हें वो खुशियां दे पाई हो? क्या इनके बच्चों से इन्हें मिलवा पाई हो? और ये तुम्हारी भाभी माँ, जो हर छोटी से बड़ी चीज के लिए तुम पर निर्भर है, क्या तुम इन्हें खुश रख पाई हो? क्या इनके मन का सहारा बन पाई हो? तुमको पता है ना, इनके और छोटी माँ के बीच का रिश्ता ठीक नहीं है। क्या तुमने कुछ किया है उसे ठीक करने के लिए? कैसे संभालोगी तुम? और ये बाऊजी, जिनकी खुशी की जिम्मेदारी माँ तुम्हें देकर गई थी, क्या तुम इन्हें खुश रख पाई? जैसे तैसे करके तो इनके रिश्ते में सब ठीक होने लगा, लेकिन जैसे ही बाबूजी को नमन और मुस्कान के बारे में पता चलेगा, तो क्या इनका रिश्ता ठीक रहेगा? कैसे संभालोगी तुम सब? और ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, तुम्हारा बेटा, कितना ध्यान दे पा रही हो तुम इस पे? ऐसे ही चलता रहा तो जो आज रुक्मिणी आंटी ने कहा है, कहीं वो सच ही ना हो जाए। नैतिक को काम में इतनी जरूरत है तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रही हो और उल्टा छोटी छोटी बातों में गलतियां कर रही हो। आज तुम्हारी वजह से नैतिक का वो काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसे ही चलता रहा तो बहू, चाय में शक्कर नहीं डाली क्या? शायद भूल गई तुम। गिरिजा जरा चीनी ला। गिरिजा से कहा है, तू कहा चली? मैं देखता हूं। अक्षरा, अक्षरा क्या हुआ? अक्षरा, अक्षरा क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? बोलिए तो। अक्षरा कुछ नहीं कर पा रही हूं मैंने, देख कुछ भी नहीं, हार गई मैं नैतिक, मैं फेल हो गई हूँ, बहुत बुरी हूँ, मैं कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है, मुझसे कुछ नहीं संभल रहा, घर ना बच्चा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अक्षरा आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कुछ नहीं हुआ है ऐसा? ऐसा ही है नैतिक, आपको शायद दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा ही है, या फिर आप मुझसे जानबूझ के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे बुरा लगेगा, मेरी गलती है ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं? किसने कुछ कहा आपसे, बताइए मुझे। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है कि कोई मुझे कुछ नहीं कहता, सब बहुत अच्छे हैं नैतिक, मुझे कुछ नहीं कहते, मुझे कभी दोष नहीं देते, पर मुझे सब दिखता है। मैं कहता तुम कितनी लायक नहीं हूँ, कितनी लायक नहीं हूँ। दादाजी, दादी, बड़ी दादी, तो लोग जल्दी ऊपर आओ, मम्मा ऊपर रो रही है। हे भगवान, क्या हुआ? सबको मुझसे कितनी उम्मीदें हैं, सबसे वादा किया मैंने नहीं निभा पाई, किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर पाई, छोटी माँ से वादा किया कि मैं उन्हें उनके बच्चों से मिलाऊंगी, नहीं मिला पाई,
माँ से वादा किया कि मैं इस पूरे परिवार का ख्याल रखूंगी, नहीं रख पाई, कुछ भी ठीक नहीं कर पाई। यहाँ तक कि अपना बच्चा मेरा डुगू, मैं उसे ठीक से नहीं पाल पा रही हूँ। इसीलिए भगवान ने मुझे दूसरा बच्चा नहीं दिया। अक्षरा, ये कैसी बातें कर रही हैं? भगवान ऐसा नहीं करते। तो फिर कौन कर रहा है नैतिक? मैं ना, है ना नैतिक, कर रही हूँ ये सब। मैं इन सब की जिम्मेदार हूँ, मुझसे ही कुछ नहीं हो रहा। हमारा बेबी चला गया, भाभी माँ छोटी माँ के बीच की अनबन, कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाती हूँ नैतिक, बल्कि आपकी मुश्किलें और बढ़ाती हूँ। मम्मा, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मामा, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी बहू हूँ। इस उम्र में मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप मेरी सेवा कर रही हैं। दीदी, बहू ऐसा मत कह यार, तू तो मेरी बेटी है, तू शांत हो जा। नहीं भाभी माँ, मैं बहुत बुरी हूँ, आपको नहीं पता। छोटी माँ बोलिए ना, बोलिए, आप, आपको तो पता है ना आपसे कितने वादे किए मैंने, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। आपको खुशी देने के बजाय और दुख दे दिया। नहीं अक्षरा, प्लीज, तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं छोटी माँ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? बहुत बुरी हूँ, है ना डुगू? मैं अच्छी नहीं हूँ ना, हमेशा आपको डांटती रहती हूँ। नहीं मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। नहीं डुगू, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। जब आपको मेरी जरूरत थी, तब मैंने आपको अपने से दूर भेज दिया, और उसके बाद जब आप मेरे पास थे, तब मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। पढ़ने के टाइम पढ़ा नहीं पाती हूँ, खेलने के टाइम खेला नहीं पाती हूँ। नहीं मम्मा प्लीज, आप ऐसा मत कहो मम्मा प्लीज। अक्षरा प्लीज, चुप हो जाइए और खुद को दोष देना बंद कीजिए। नहीं प्लीज नैतिक, मुझे मत रोकिए। बहुत बहुत मुश्किल से मुझे ये एहसास हुआ है, और ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। मुझे आप सबसे माफी मांगनी है। भाभी माँ, छोटी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए कि मैं आप दोनों के बीच की अनबन खत्म नहीं कर पाई। मुझे सब पता है बाऊजी, नैतिक, आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए। कितना भरोसा करते हैं आप दोनों मुझ पे, हमेशा मेरी मदद करते हैं, लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर पाती आप लोग के काम में। आपकी रुक्मिणी आंटी ठीक कहती है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं संभलता। बहू, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम तो बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत कुशल हो, तुम्ही ने तो हम सबको संभाला है। बेटा, हमें तुझसे बहुत उम्मीद है। कोई उम्मीद मत रखिए भाभी माँ, मुझसे मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। कितनी बेसब्री से आप लोग आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन छीन ली ना मैंने वो खुशी आपसे, बल्कि आप सबको और दुखी कर दिया। छोटी माँ को अपने साथ लेके गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं बताया, सोचा कि वो मना करेंगे। नैतिक से कहा कि टाइम है, सोचा कि बचा लूंगी अपने बच्चे को, लेकिन नहीं बचा पाए। मैंने कहा ना नैतिक, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, प्लीज आप सब लोग मुझे कोई उम्मीद मत दीजिएगा। अक्षरा प्लीज, अब आप चुप हो जाइए, वरना मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। हाँ बेटा, तेरी माँ लूजर कैसे हो सकती है? वो तो बेटा बहुत हिम्मत वाली है, बहादुर है तेरी माँ। तो फिर उनको ऐसा क्यों लगता है? होता है ऐसा बेटा, मैं समझाता हूँ तुझे। बेटा तू अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन है ना, तो क्या तू अकेले फुटबॉल खेल सकता है? नहीं। मैच खेलने के लिए तुझे साथी खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है ना, खिलाड़ियों के बीच तालमेल होना जरूरी होता है, खिलाड़ियों को जीतने के लिए डट के मेहनत करनी पड़ती है। मान ले बेटा, तेरी टीम के खिलाड़ी आपस में बात ना करते हो, तालमेल ना रखते हो, वो डट के जीतने के लिए मेहनत ना करते हो, तो क्या होगा? चाहे खिलाड़ी बेटा कितना ही अच्छा हो, उसे टीम में एक साथ
अच्छे से खेलना बहुत जरूरी होता है। और फिर ऐसी परिस्थितियों में बेटा अगर तेरी टीम हार जाए, अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए, सबसे बुरा बेटा किसे लगेगा? कैप्टन को। बस ठीक उसी तरह इस समय तुम्हारी माँ को बुरा लग रहा है। हालांकि बेटा गलती उसकी नहीं है, फिर भी इंसान ऐसा सोचने लगता है, चीजें आंखों के सामने बिखरती नजर आने लगे, तो ऐसा होता है बेटा। इसलिए तेरी मां अपने आप को दोष दे रही है बेटा। वो यार इतना परेशान ना हो, नमन कोई बच्चा थोड़ी है, समझदार है। मैं भाई को जानती हूँ जैस, वो अपनी परेशानी किसी से नहीं कहते, बस ऐसे ही अकेले अकेले अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। तूने उनका चेहरा देखा था जब सर ने उदयपुर की बात की थी, कैसे उतर सा गया था उनका चेहरा। एक पल के लिए तो मुझे ही समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। जिस इंटर्नशिप के लिए इतने टाइम से वेट हो रहा था, वो मिली भी तो कहां, उदयपुर में। आई डोंट नो, भगवान बार बार हमें वहीं क्यों पहुंचा रहे हैं। देख मुस्कान, शायद भगवान जी चाहते हैं कि इस बार आप लोग और दिव्यानी आंटी फिर से एक हो जाओ। पता नहीं जायज, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इतने सालों से क्यों नहीं मिले, और फिर अचानक एक दिन मिल गए। और मिले ही नहीं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, कंपनी एंजॉय की, और नाराज होके चले आए। और अब फिर शायद इस बार सब हमेशा के लिए ठीक होना, इसीलिए आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा जायज। मॉम डैड पहले से ही सेपरेटेड हैं, और इतने सालों से हमें डैड ने पाला, एंड वी रियली लव हिम। बचपन से लेकर आज तक हमने मॉम से सिर्फ नफरत की है, पर जब मैं उनसे मिली वो मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लगी जैसे बचपन में हमने उनके बारे में सुना था। हो सकता है टाइम के साथ वो बदल गई हो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है जैस, मैं क्या करूं। मुझे माफ कर दीजिए। सबसे पहले तू मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, और मैंने आपको। और हमारी इस गलत फहमी का सबसे ज्यादा असर बहू पे हुआ। सच है भाभी माँ, हम उसके तकलीफ समझ ही नहीं पाए, बल्कि जाने अनजाने में हमने उसे बहुत तकलीफ दी है। उससे अच्छा तो यही होता ना कि हम हमारे मन की बात एक दूसरे से ही कह लेते। पर ऐसा करने से हम डरते रहे, और देखो आज क्या हाल हो गया। सब मेरी गलती है, मैं बड़ी हूँ, मुझे धीरज रखना चाहिए था। दिव्यानी तू इस घर में नहीं आई है, मुझे समझना चाहिए था कि तुझे समय लगेगा। नहीं भाभी माँ, मुझे भी तो समझना चाहिए था कि सिर्फ घर नहीं बदला, परिस्थिति बदली है, माहौल बदला है, मुझे भी थोड़ा बदलना चाहिए था। पर अब अपने में ही रहे, और देखो बहू कैसे परेशान हो गई। जबकि उसने हमेशा ये कोशिश की कि हम सबके बीच सब कुछ सही हो, ठीक हो। कितनी तकलीफों से गुजर रही है, कितने दुख है उसे। उसने बच्चा खो दिया, उसकी जान को खतरा था, और इन सब दुखों से उभर ही रही थी। और अभी ये पता नहीं भाभी माँ, अक्षरा के मन में ये सारी बातें क्यों आई, उसने क्यों कहा ऐसा। कैसे समझाए उसे कि ऐसा नहीं है। यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी। सोचते बहुत हैं, जब बात दिल से कही गई हो तो शब्दों के मायने नहीं रहते। एक के दिल की बात दूसरे के दिल तक पहुंचती ही है, लेकिन हम शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं, और बात की सच्चाई बहुत नीचे कहीं दब जाती है। मुझे लगता है अब हमें सबक मिल गया है, ऐसी गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक, बिल्कुल। इस समस्या का क्या करें राजबन, को कैसे समझाए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और वो हमारे परिवार के लिए क्या है। पता नहीं कितने सालों बाद हमने ऐसा कोई खेल खेला है। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कभी खेला भी या नहीं। जब दीदी खेलती होंगी तो मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा। हाँ, फिर भी अपने साथ खिलाती थी वो तुझे, सारा दिन मेरा भाई कहते हुए गोदी उठाई फिरती थी। और कभी तो सुसु तो कभी कुछ।
हेलो हेलो नानी। चीकू क्या क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है तू इतना? क्योंकि मम्मा बहुत देर से रो रही है इसलिए। पर क्यों? वो तो पता नहीं, नक्श ने बस इतना बोला है कि मामी बहुत अपसेट है, दादी ने उनको गुस्सा किया था इसलिए तो नहीं। मोहित मैं फोन करके देखूं? नहीं नंदनी, मैं खुद जाकर बात करता हूँ नैतिक से। मुझे ना इस समय सबसे ज्यादा उसी की चिंता हो रही है, पता नहीं वो ये सब कैसे हैंडल कर रहा होगा। ये बातें तो होती हैं जो इंसान का सबसे ज्यादा दिल दुखाती है। पता नहीं क्या बात बुरी लग गई मेरी बच्ची को जो इस तरह रो रही। और हर कोई जानता है कि अक्षरा सबके लिए कितना सब करती है, और उसके बाद में उसके मन में फेलियर वाली बात आई कैसे? अरे बेटा, कभी कभी इंसान की खुद से उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो इंसान खुद को असफल मान बैठता है। पर अक्षरा बिटिया तो रात दिन अपने घर परिवार के बारे में ही सोचती रहती है। अगर उसने ऐसा कुछ महसूस किया है जरूर कोई कारण होगा। जी हमें जाना होगा वहां पर अभी। अरे मोहित तू तो अचानक? नक्श का फोन आया था यश को, यश ने सब बताया तुम्हें यहाँ क्या। नैतिक ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ मोहित, पता नहीं क्यों, लेकिन जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए अक्षरा खुद को जिम्मेदार मान रही है। रो रो के बुरा हाल कर लिया उन्होंने अपना, और मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, इसलिए उन्हें अकेला छोड़कर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गया। लेकिन नैतिक कोई तो बात हुई होगी, किसी ने कहा कुछ उनसे? तुझे लगता है? तुझे पता है मोहित अक्षरा की प्रॉब्लम क्या है? जब वो कुछ अच्छा करती है तो उसका क्रेडिट पूरी दुनिया को देती है, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेती है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अपने मन में ये बात बिठा ली कि सारी गलती उन्हीं की है। और मुझे देख, दिन रात मैं उनके साथ रहता हूँ लेकिन उनके मन की बात मैं पढ़ ही नहीं पाया, उनके चेहरे पर जो दुख है वो देख ही नहीं पाया मैं। मुझे लगा कि बच्चा जाने की वजह से वो दुखी, पर ऐसा भी कुछ हो सकता है मैं सोच ही नहीं पाया। मैं अच्छा पति नहीं हूं मोहित। नैतिक अब तू भी वही कर रहा है जो भाभी ने किया। मैं कहता हूं नजरिया बदल दो, नजारा अपने आप बदल जाएगा। बस मेरी यही बात को तू गांठ बांध ले। देख नैतिक, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक जिसने जो किया सो किया, लेकिन अब हम लोगों को ये सारी गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी। लेकिन मोहित ये तो पता चल जाए कि गलतियां हैं क्या। अक्षरा ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया मेरी खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए, और फिर भी उनको ये लगता है कि वो फेलियर है। मैं तुझे बता नहीं सकता मोहित कि ये मुझे कितनी चोट पहुंचती है ये सुनकर कि वो ऐसा सोच रही है अपने बारे में। बच्चा जाने के बाद बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ मैं अपने आप को मोहित, लेकिन अगर कहीं मैं टूट गया तो अक्षरा का क्या होगा? और वो क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? कितने सालों बाद तो हमारे यहाँ खुशी आने वाली थी, कितनी बेसब्री से मैं बच्चे का। मोहित अब तू ही बता कि मैं अक्षरा को कैसे संभालू। नैतिक पहले तो खुद को संभाल। मैं ठीक हूं मोहित, रिश्तों में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। जब सब ठीक है तो ठीक है, लेकिन जब सब ठीक नहीं है तो नहीं कहना बहुत जरूरी है। भाभी ने भी यही किया, अकेले हर सिचुएशन से हर मुसीबत से खुद जूझती रही और फंसती चली गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये बोझ बहुत बढ़ गया। तू भाभी का दुख तो दूर करना चाहता है लेकिन उनका बोझ अपने कंधों पर लेकर, और फिर नैतिक कल किसी और को तेरा बोझ अपने सर उठाना होगा, ये कभी सोचा है तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं होगा मोहित, आई एम फाइन। फाइन सबसे बड़ा झूठ जो हर इंसान दिन में कम से कम 10 बार बोलता है। अरे फाइन का तो मतलब भी फाइन नहीं होता, फ्रीक्ड आउट, इनसिक्योर, न्यूरोटिक और इमोशनल, इन सबको मिला के बनता है फाइन। मैं तुझे फाइन नहीं, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ, और तू भाभी को, है ना? तो अब जा, जाकर भाभी से बात कर, हम सब इंतजार कर रहे हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।